इस बार अंबेडकर जयंती बहुत ही ऐतिहासिक होगी, जबरदस्त रैली की जाएगी। आप सब लोग मौजूद लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने पंचायतों के, अपने अपने जिला परिषद पंचायत समिति के वार्डों के, तो मेरे से ज्यादा आप लोगों का जो है दलित किसान पिछड़ा आम आदमी 36 जाति के लोगों ने आज बैठ के मीटिंग करके तय किया है कि अलग अलग जिम्मेवारियां देंगे तभी जाकर बड़ा कार्यक्रम संभव हो। हमने छात्र राजनीति में कई कार्यक्रम किए, 500 हजार छात्रों की भी रैली है, लेकिन उसके लिए अलग अलग जिम्मेवारियां हो। और हम लोग ऐतिहासिक रैली करेंगे और जिसके अंदर जनता की बातों को भी उठाया जाएगा, और इस बार बाबा साहब का जो जन्मदिन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाया जाएगा। हम हमारे होल्डिंग भेज देंगे अलग, उसमें आपसे पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मान लो साधारण से मान लो जैसे गणेश, और इसको लेकर के अभी मैंने प्रमुख लोगों को बुलाया, जिले भर के लोगों से भारी उत्साह है और जबरदस्त रैली की जाएगी। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमें 10 दिन लग करके ये जो संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, इस दिन हमें जबरदस्त जमावड़ा कर, इसके अंदर हम लोग रैली करेंगे और उसके बाद वहीं से संबोधन होने के बाद जुलूस लेकर बाबा साहब को जो मूर्ति है वहाँ जाके माल्यार्पण करेंगे। उससे हमारी एक ताकत जो पीछे कोरोना में 3 साल में मीटिंग नहीं, 2 साल के अंदर आपको पता है, अभी अपन ने हुंकार भरी वहाँ गए अपन कहाँ जयपुर, और विशेषकर जो हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने प्रदेश में बजट दिया है, काम दिया है, उसकी भी बात करेंगे और जो काम बच गए हैं उनकी भी बात करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, और हमें विकास के काम करने हैं। अगर मैं प्रदेश से भले हिमालय ने बुला हुआ मंत्रियों ने बुला तो यही सोचो लिस्ट कितनी लंबी पड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं ने निराशा किया हमारे और अभी जो सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ रखा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे, हम चाहते हैं भाईचारा रहे। ऐसे समय के अंदर एक भीमराव अम्बेडकर की सोच ऐसी है जिन्होंने संविधान दिया है, अपन अपने घर में करेंगे तो थाने को भाषण देना है, थाने स्टेज लगाना है, थाने थाई बात उठानी, क्योंकि इस देश में अगर संविधान मजबूत रहेगा तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगा। हमारा देश विभिन्न जाति और धर्म का देश है, हम चाहते हैं हम सब मिलकर के रहें, क्योंकि हमें कार्यकर्ता भी तैयार करना है। इस भाईचारे को कायम करने के लिए इस रैली की बहुत जरूरी है, जिसमें 36 कौम के लोग आएंगे और पूरे प्रदेश में देश में एक मैसेज देंगे।